ये हो गए 1000 किलोमीटर्स पूरे सुजुकी ऑल्टो 660 सीसी के। फर्स्ट 1000 किलोमीटर्स कंप्लीट हो गए। बढ़ते हुए अखराजात और महंगाई के पेश नज़र अगर आप चाहते हैं कि कोई ऐसी रीज़नेबल गाड़ी आपके पास हो जो कि डेली आपका 50 से 100 किलोमीटर की आपकी रनिंग हो, अगर तो आपकी जेब पे ज़्यादा भारी ना पड़े, उसकी मेंटेनेंस भी रीज़नेबल हो, उसकी फ्यूल एवरेज अच्छी हो, उसके फ्यूल एक्सपेंडिचर, उसकी रिपेयरिंग और मेंटेनेंस के एक्सपेंडिचर रीज़नेबल हो, तो मेरे ख्याल से इस वक्त करंट हालात में सुजुकी ऑल्टो जो पाकिस्तानी वर्जन है, इससे बेहतर और कोई ऑप्शन नहीं है। अगर एवरेज की बात करें तो इस वक्त करंटली 17.1 सिटी में और एयर कंडीशन के इस्तेमाल के साथ 17 का अराउंड एवरेज दे रही है। अभी फ्यूल करवाते हैं, फ्यूल ख़त्म हो गया है गाड़ी में। अभी इसमें मैंने 1000 का फ्यूल टॉप अप किया है जो कि अराउंड 4.4 लीटर्स मुझे मिला है और दो बार्स इसके ज़्यादा हुए हैं। हैदराबाद सिटी में जहाँ पे इतना ज़्यादा ट्रैफिक होता है, उस ट्रैफिक के अंदर 17 का एवरेज देना किसी भी गाड़ी के लिए मेरे ख्याल से ये काफ़ी रीज़नेबल है। इस वक्त जो हमारे मुल्क की कंडीशन है, अनफॉर्चुनेटली 20-21 लाख की रेंज के अंदर कोई ऐसी पुरानी गाड़ियाँ हमें मिलती हैं जिनकी मेंटेनेंस कॉस्ट जो है ना वो बहुत ज़्यादा है। ना सिर्फ मेंटेनेंस कॉस्ट बल्कि फिर उसके बाद पार्ट्स के लिए आपको परेशान होना पड़ता है, पार्ट्स भी महंगे हैं, और फिर अगर जापानीज़ है तो उसके पार्ट्स आपको सेकंड हैंड कहीं से सोर्स करने पड़ते हैं, यूज्ड पार्ट्स, नए पार्ट्स जो हैं वो महंगे हैं। इस गाड़ी का कोई टेंशन नहीं है, आपने कंपनी के वो जाके देनी है, कंपनी ने आपको सारी गाड़ी मेंटेन करके दे देनी है और रीज़नेबल लेबर चार्जेस हैं, रीज़नेबल पार्ट्स है। वैसे भी न्यू कार की जो मेंटेनेंस है वो बड़ी इजी होती है। रीसेल की अगर बात करें तो इस गाड़ी की नो डाउट रीसेल बहुत अच्छी है। 20-21 लाख में 0 मीटर गाड़ी मिल रही है और इसी प्राइस के अंदर अगर आप सेल करना चाहते हैं तो थोड़ा बहुत लॉस के साथ अभी सेल हो जाती है। आने वाले वक्त में इसकी प्राइस क्या होगी, इन्फ्लेशन का इफ़ेक्ट क्या आता है गाड़ियों की प्राइसेस के ऊपर, कुछ कहा नहीं जा सकता। लेकिन ये कोई ऐसा आइटम नहीं है कि जो आप 20-21 लाख में परचेज करें और फिर वो 3-4 लाख रुपए कम में सेल हो रहा हो, ऐसा कोई आइटम ये नहीं है। क्योंकि 2018-19 मॉडल की जो है वो भी 17-18 लाख इतने की चल रही है इस वक्त यूज्ड में, जो कि 50,000 प्लस चल चुकी है। सस्पेंशन की और टायर्स की अगर बात करें तो क्योंकि नई गाड़ी है तो ऑब्वियसली 3 साल तक तो इसकी सस्पेंशन को और इसके टायर्स अगर 40-50,000 किलोमीटर तक तो इसको ये कहीं भी नहीं जाते। इसी के कंपैरेटिवली अगर कोई सेकंड हैंड गाड़ी इस प्राइस रेंज में लेते तो शायद साल बाद उसकी सस्पेंशन का काम निकलता, या फिर लेते साथ ही
अगर आपने सही तरह चेक नहीं की तो फिर उसमें टायर्स का खर्चा आ सकता है, जो कि इस वक्त काफ़ी एक्सपेंसिव है। अगर आप टायर्स चेंज करने जाते हैं और अच्छे टायर्स अगर इंतखाब करते हैं तो 40 से 50 हज़ार रुपये का आपको ये बिल पड़ जाता है। एसी परफॉर्मेंस की अगर बात करें तो काफ़ी लोग कहते हैं कि इसका एसी परफॉर्मेंस अच्छा नहीं है, लेकिन जहाँ तक मेरा एक्सपीरियंस रहा है, मेरी पर्टिकुलर गाड़ी का एक्सपीरियंस रहा है, तो माशाल्लाह इसकी एसी की वर्किंग बहुत अच्छी है। इनफैक्ट जिन लोगों का, मेरे जिन रिलेटिव्स का या फ्रेंड्स का ये कहना था कि इसकी एसी परफॉर्मेंस अच्छी नहीं है, जब उन्होंने इस गाड़ी में बैठ के देखा और थोड़ी देर मेरे साथ वो चले, तो उन्होंने कहा कि एसी इसका बहुत अच्छा है और उनका ओपिनियन चेंज हो गया। गुड थिंग्स की अगर बात करें तो इस गाड़ी का टर्निंग रेडियस जो है वो बहुत ही अच्छा है, बहुत छोटे से जगह में भी ये गाड़ी टर्न हो जाती है। पार्किंग में बहुत इजी है, ख़ास तौर पे छोटे शहरों में जिस तरह हैदराबाद हो गया, ट्रैफिक के यहाँ पे बहुत इश्यूज हैं, रोड ट्रैफिक जैम्स होते हैं, तो उसमें ये गाड़ी बहुत इजीली पार्किंग हो जाती है, बहुत इजीली टर्न। माशाल्लाह हैदराबाद शहर की तरक्की देखें आप, लंदन वाली बसेस चल रही हैं यहाँ पे। ज़बरदस्त, थोड़ा सा आपको हैदराबाद सिटी का टूर भी देते हैं। और ये जी हमारी सुजुकी ऑल्टो 660, माशाल्लाह से आज सुबह को इस वक्त सर्दी हो रही थी, तो क्योंकि नेक्स्ट डे है, लेकिन मैं ये इसी वीडियो के अंदर डाल दूंगा, तो मैंने फिर इसका हीटर भी चेक किया, माशाल्लाह बहुत अच्छा हीटर था। और अभी तो, अब तो खैर गर्मी हो गई, इस वक्त हीटर की ज़रूरत नहीं है, मैंने बंद कर दिया है। ये एक और बस सामने से आते हुए, रोड हालांकि छोटे हैं हैदराबाद के, लेकिन ये बहुत अच्छा इन्होंने किया कि स्टार्ट कर दिया। वैसे कोई सोच भी नहीं सकता था कि ये चीज़ यहाँ पे स्टार्ट होगी, लेकिन हैट्स ऑफ टू द अथॉरिटीज़ के उन्होंने ये चीज़ स्टार्ट कर दी यहाँ पे। वैसे बहुत ज़रूरी थी ये हमारे सिटी के लिए, लॉन्ग अवेटेड प्रोजेक्ट था ये। कल रिजर्व पे फ्यूल टॉप अप करवाया था 1000 रुपये का, यानी 4.4 लीटर, और 50 किलोमीटर से अबव मैं गाड़ी चला चुका हूँ। अभी 53 की रेंज मज़ीद शो कर रही है, यानी कि 4.43 लीटर में मैं गाड़ी 100 किलोमीटर्स चला के और फिर दोबारा 1000 रुपये का पेट्रोल डलवा दूँगा। तो ये भी एक मेजरमेंट आ रही है इसकी सामने। अभी सेकंड डे है ये, कल गाड़ी मैंने रिफिल करवाई थी 4.4 लीटर्स 1000 रुपये में, और उसके बाद मैंने 50 किलोमीटर्स तकरीबन जो है ना चला चुका हूँ मैं तो कल से। अभी 53 की और रेंज शो कर रही है, अब देखते हैं 53 किलोमीटर चलती भी है या ये जो रेंज है ये सही कैलकुलेट नहीं की हुई, ऐसा ना हो कि 53 चलने से पहले ही रिज़र्व की लाइट ऑन हो जाए। लेकिन जहाँ तक मेरा अंदाज़ा है, जितना मैंने इस गाड़ी को समझा है, कि ये अभी और मज़ीद 53 किलोमीटर चलेगी। सुजुकी ऑल्टो डाउन साइड्स की अगर बात करें तो सबसे पहला डाउन साइड इसका इंजन नॉइज़ है, मैं आपको सुनवाता हूँ इस वक्त। कैबिन के अंदर इस तरह का इंजन नॉइज़ थोड़ा सा अनोइंग रहता है, बट ऑब्वियसली 660 cc छोटा सा इंजन है इसका, तो इस वजह से अभी इसको रैम पे चेक करते हैं। फीचर्स की अगर बात करें तो सबसे पहला और इम्पोर्टेंट फीचर जो इसके सेफ्टी फीचर है, गाड़ी में 2 एयरबैग्स दिए हैं, एक पैसेंजर साइड पे और एक ड्राइवर साइड पे, जो कि जैसे सुजुकी वैगन आर है उसके अंदर भी नहीं आता है। सुजुकी वैगन आर का जो टॉप ऑफ द लाइन वेरिएंट है अभी करंटली, उसमें सिर्फ एक एयर बैग आता है ड्राइवर साइड का,
उसके बाद एक बेसिक सा इसके अंदर ये सिस्टम दिया हुआ, ऑडियो सिस्टम, जिसके अंदर ब्लूटूथ है, यूएसबी कनेक्टिविटी है, ऑक्स है, एफएम है, और दैट्स इट। इसका रिमोट भी दिया है कंपनी ने साथ में। उसके अलावा एक बेसिक सा एयर कंडीशन और हीटिंग सिस्टम है इसके अंदर, जो कि जिसकी परफॉर्मेंस ठीक है, अच्छी है, मुझे पसंद आई है इसकी परफॉर्मेंस। उसके अलावा अगर हम बात करें, जैसे गाड़ी को थोड़ा सा स्टार्ट करके दिखाते हैं आपको, इसके स्टार्टअप साउंड भी चेक करवाता हूँ मैं। ये इसका स्टार्टअप है, हाफ सेल्फ के ऊपर गाड़ी बिल्कुल ऐसे मक्खन की तरह स्टार्ट होती है, जो कि बहुत अच्छी चीज़ है। इसका मैं आपको बाहर से भी इसका स्टार्टअप साउंड चेक करवाता हूँ दरवाज़ा खोल के। अच्छा, की वार्निंग इसके अंदर है, जैसे दरवाज़ा आप ओपन करेंगे तो की वार्निंग आएगी, जो कि सुजुकी महरान के अंदर मिसिंग थी। बहुत प्यारा इसका स्टार्टअप साउंड है, मुझे तो बहुत पसंद है। इंजन रूम में आपको चेक करवाता हूँ इसका। ये इसका इंजन रूम है, छोटा सा इंजन है इसका, 660 cc, और मेरे ख्याल से छोटा सा है बट इनफ है, क्योंकि इससे ज़्यादा हमारे मॉल को ज़रूरत नहीं है। छोटी सी गाड़ी आपके लिए, जिसमें अगर आप जा रहे हो अपने बच्चों को स्कूल ड्रॉप करने के लिए, फैमिली के साथ जा रहे हो कहीं पे छोटा मोटा ट्रिप करने के लिए, डेली ऑफिस के यूज़ के लिए, आई थिंक कि इट्स इनफ। ये इसका वॉक अराउंड मैं आपको देता हूँ। दरवाज़ा खोलते हैं तो कुछ इस तरह का इंटीरियर है। सीट्स बहुत अच्छी हैं, सॉफ्ट सीट्स हैं, सॉफ्ट फैब्रिक है, और यह है कि जब आप बैठते हैं तो आपको होल्ड करके रखती है, क्योंकि यहाँ पे गैप है। ये तो मैंने कवर्स बाद में लगवाए हैं। गाड़ी में एक कीलेस एंट्री की कुछ इस तरह की आती है। ये इसका लॉक फीचर और ये इसका अनलॉक। पीछे की अगर इस स्पेस की बात करें तो स्पेस बहुत ज़्यादा है पीछे। आप देखें कि ये सीट अभी इतनी ज़्यादा पीछे नहीं की हुई है, और ये मज़ीद आगे भी हो सकती है, पैसेंजर सीट भी मज़ीद आगे हो सकती है, और इसमें बहुत ज़्यादा स्पेस हो जाता है। इसको मैं आपको करके दिखाता हूँ। आगे वाली सीट मैंने फुल आगे की हुई है। ऑब्वियसली यहाँ पे कोई बड़ा तो नहीं बैठ सकता, लेकिन एक छोटा बच्चा, 10 से 12 साल का बच्चा कॉम्प्रोमाइजिंग पोजीशन में बैठ सकता है। सीट फुल आगे है और पीछे इतना ज़्यादा आप देख सकते हैं कि इसके अंदर रूम मौजूद है। ये बहुत ज़्यादा रूम है। इस वक्त जो करंटली छोटी 660 cc गाड़ियाँ आती हैं, या 800 या 1000 cc भी, इतना स्पेस मैंने किसी में नहीं देखा। एक और डाउनसाइड की बात करें तो मैनुअल एडजस्टमेंट ऑफ विंडोज़ है। VXR वेरिएंट है, VXL वेरिएंट के अंदर ऑटो आती हैं, लेकिन आई थिंक कि आज की एज के हिसाब से बहुत ही कट डाउन ऑन द फीचर्स हो जाता है। बूट कैपेसिटी की बात करें तो बस ठीक है, इतना ज़्यादा नहीं है। एक और डाउन साइड इस गाड़ी का ये है कि इसके अंदर स्पेयर व्हील नहीं आता है, लेकिन आपको एयर कंप्रेसर, इलेक्ट्रॉनिक और रिपेयर किट, टायर रिपेयर किट मिलती है इसके साथ। सॉरी, टायर रिपेयर किट बोल रहा हूँ, पंचर रिपेयर किट होती है वो। और पीछे की सीट, इसके अंदर हेडरेस्ट नहीं है, ये एक और डाउन साइड है। मतलब इतने ज़्यादा कट डाउन ऑन द फीचर्स करने की क्या ज़रूरत थी। टायर्स की अगर बात करूँ तो पाकिस्तानी जनरल के, यूरो के टायर्स हैं इसके अंदर, जो कि बस ठीक हैं। हाईवे पे इनका ग्रिप इतना अच्छा नहीं है, आपको टायर्स चेंज करने पड़ेंगे। बिल्ड क्वालिटी अगर देखें तो बस ठीक है, इतनी ज़्यादा अच्छी भी नहीं है, लेकिन इतनी ज़्यादा बुरी भी नहीं है जितना लोग कहते हैं कि ऑल्टो की बिल्ड क्वालिटी बहुत ज़्यादा बुरी है। मैं आपको डोर खोल के बंद करके दिखाता हूँ, तो इतनी ज़्यादा बुरी भी नहीं लगती मुझे इसकी बिल्ड क्वालिटी।
तो भाई ये था सुजुकी ऑल्टो 660 सीसी VXR वेरिएंट का रिव्यू 1000 किलोमीटर चलाने के बाद मेरी नज़र से। और अगर कुछ मिस हो गया हो तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे बता देना कि ये चीज़ मिस हो गई है। इंशाल्लाह मैं किसी और वीडियो में किसी और टाइम पे कोशिश करूँगा उसको कवर करने की। बाकी मैंने जो मेन मेन मोटी मोटी चीज़ें आपको बता दी हैं कि इसका फ्यूल एवरेज जो सबसे ज़्यादा मुझे जो चीज़ पसंद आई इस गाड़ी के अंदर वो इसका फ्यूल एवरेज था, जिसकी वजह से मैंने ये रिव्यू बनाना और पोस्ट करना ज़रूरी समझा। ये स्पेस भी देख लें ग्लव कंपार्टमेंट की। और बाकी यहाँ पे दो कप होल्डर्स हैं, फ्रंट पे भी दो कप होल्डर्स हैं। बाकी ये गाड़ी के जो यहाँ पे जापानीज़ के अंदर ये जो चीज़ें आती हैं, पुश स्टार्ट, ट्रैक्शन कंट्रोल, पार्किंग, ऑटो होल्ड, ये चीज़ें इसके अंदर नहीं है, मिसिंग है ये सारी चीज़ें। सिर्फ एक सिंपल यहाँ पे सिगरेट लाइटर जिसमें चार्जिंग डॉक लगा सकते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो के लिए अल्लाह हाफिज़। कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर फीडबैक दीजिएगा। न्यू यूट्यूबर्स को सपोर्ट करें, सब्सक्राइब करें चैनल को, ऐसी मज़ीद वीडियोस अगर आप देख। अच्छा, बहुत से लोग मुझसे इस पे इत्तेफाक नहीं भी कर सकते क्योंकि इसमें ड्राइविंग हैबिट्स का भी बहुत ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट है। जैसे मैं चलाता हूँ, मैं फ़ौरन गाड़ी को जो है ना गियर दे देता हूँ, क्योंकि मैनुअल गाड़ी है, आपके हाथ में गियर, आप अपनी मर्ज़ी से गियर दे सकते हैं गाड़ी को। तो जैसे अभी 50 पे चल रही है, मैं पांचवा गियर लगा चुका हूँ गाड़ी को। तो 40 पे आती है, जैसे मैं फ़ौरन गियर चेंज करके फोर गियर में डाल देता हूँ। और फिर जैसे 20 पे आ गई तो सेकंड गियर दे दिया। तो ड्राइविंग हैबिट्स का बहुत ज़्यादा डिपेंडेंस है। उसके बाद मैं जैसे ही गाड़ी कहीं पे अगर मेरी आइडल होती है तो मैं आइडल खड़ी करके एसी चला के, मतलब जैसे बैठे होते हैं वैसे नहीं करता। मैं कोशिश करता हूँ कि बाहर अगर कोई दोस्त वगैरह है तो उसको साथ बाहर किसी होटल पे बैठ जाएं, लेकिन गाड़ी में एसी ऑन करके ना बैठे। और वैसे भी अभी मौसम रात के टाइम में, जैसे घूमने फिरने बंदा निकलता है तो रात के टाइम में ठंडा है मौसम, तो वो मतलब इतनी ज़रूरत नहीं महसूस होती कि आप गाड़ी में बैठ के एसी चला के बैठे हुए और दोस्त के साथ गप्पे लगा रहे हैं और फ्यूल का पता ही नहीं है कि गाड़ी फ्यूल की तबाही मचा रही है। देखना चाहते हैं वीडियो को लाइक करें, अल्लाह हाफिज़। और ये भाई देखें, फ्लाइंग भी कर सकती है ये ऑल्टो, ये खासियत भी है इसमें। ये देखें कैसे फ्लाइंग करती हुई जा रही है ऑल्टो 660 सीसी। ऐसा फीचर आपने कभी नहीं देखा होगा।